वाह बॉस वाह, क्या कविता कही है। कविता को छोड़ो और फुरफुरी नगर की पाइपलाइन में कीड़े मकोड़े डालते रहो ताकि लोग ये सरकारी पानी पीना बंद कर दे और जॉन का मिनरल वाटर पीना शुरू कर दे। जॉन, ये पूरी प्लानिंग मेरी है। मैं तुम्हें JBD मिनरल वाटर प्लान डाल के दे रहा हूँ, उसमें 50% पार्टनरशिप मेरी होगी। डोंट वरी सर, डोंट वरी। पानी की फैक्ट्री तो बस नाम की है, दिल में है कोई और बात। जब बिकेंगे हमारे वाटर बोतल तो होगी नोटों की बरसात। वाह बॉस वाह, आज तो कविता में कविता कही जा रही हो। बात क्या है? कविता को छोड़ो और कीड़े डालो। वाह वाह, चाय वाले भैया, मजा आ गया। उड़ी बाबा, मोटू पानी जरा चेक के पीना, आज पानी में आर्थवर्म निकल रहे हैं, ये देखो। क्या? मैंने 2-3 ग्लास पानी पी लिया है। अरे मोटू भैया, ये देखो। अरे इसमें भी निकला। मोटू पानी तो मैंने भी पिया है, और पानी पीते पीते मुझे ऐसा लगा कि मुंह में कुछ गया। पतलू, हमें अपने पेट से अर्थवर्म निकालना होगा, लेकिन कैसे? हाँ, एक तरीका है। निकल जा पतलू, ऐसे खड़े हो जाओ तो अर्थवर्म निकल जाएगा। ऐसे निकलेगा। अरे अरे भैया, ये पानी तो मैं भी सुबह से पी रहा हूँ। अरे मोटू पतलू रुको, मैं भी आ रहा हूँ तुम्हारे साथ। निकल जाएगा। अच्छा, मुझे खाएगा। मेरा अर्थवर्म निकल गया पतलू, निकल गया। पर मेरा नहीं निकला मोटू। अरे निकल जा, निकल जा। अरे भाई साहब, पाइपलाइन का पानी तो हम रोज ही पीते हैं, आज भी पिया है। मुझे मारता है। इस तरह तो पूरा का पूरा फुरफुरी नगर उल्टा पुल्टा हो जाएगा। हमें चिंगम सर को अभी जाके बताना होगा। चिंगम सर, हमने भी पानी पी लिया क्या? हाँ मोटू, अब अर्थवर्म निकालने के लिए तुम्हारा आइडिया ही इस्तेमाल करता हूँ। कीड़ा निकल, कीड़ा। आइयो माँ, ये ले हमारे शुक्र ऊपर वाले का, अर्थवर्म निकल गया। अब मैं पाइपलाइन का पानी नहीं पीऊंगा जब तक कि पाइपलाइन साफ नहीं हो जाती, और सबको बोलूंगा कि मिनरल वाटर पियो। हाँ चिंगम सर, हम सब आज से मिनरल वाटर ही पिएंगे। फुरफुरी नगर में एक ही दुकान है जहाँ मिनरल वाटर मिलता है, और दुकान खुलने का टाइम हो चुका है। लोग
लोग आते ही होंगे। अरे मुझे तो निकलो। जल्दी से हमें 10 लीटर की बोतल दो। अरे मुझे 20 लीटर का कैन दो जल्दी। अरे मुझे 4 बोतल चाहिए। मोटू, इसमें भी कीड़ा है। मिनरल वाटर की बोतल में अर्थवर्म, मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा। गंदा पानी बेचते हो। अरे भैया मेरा तो धंधा ही बंद हो गया। अरे मैं बर्बाद हो गया। उसको छोड़ो, एक नया प्याऊ खुला है, चलो वहाँ से फ्री पानी पीते हैं। हाँ हाँ, पानी दो पानी दो, मुझे 4 बोतल चाहिए। अरे अरे सॉरी, इतने लोगों को फ्री पानी नहीं दे सकता, मैं तो फ्री पिलाता हूँ। इतना पानी चाहिए तो ये JBD मिनरल वाटर का ट्रक है ना, इसे खरीद लीजिए। अरे पानी वाले भैया, जल्दी से 10 लीटर की बोतल दो। हमें 10 लीटर चाहिए। मुझे 20 लीटर चाहिए। सॉरी सॉरी, ये पानी मॉडर्न सिटी के करोड़पति लोगों के लिए है, स्पेशल बनाया है, आप लोग नहीं खरीद सकते। 500 रुपए लीटर है। 500 रुपए लीटर मिनरल वाटर? अरे हम पानी के बिना नहीं रह सकते। लाओ दे दो, जितनी भी कीमत ले लो, पानी दे दो प्लीज। अरे हमें दे दो। अरे पहले मुझे दो, मुझे दो, मुझे दो। Hey, the name is Chingam. Chingam का चंगुल से बचना यम पॉसिबल है। पानी दो। या शम्मा। अरे भैया, तुम्हारे घर में भी कीड़े ने दस्तक दे दी क्या? सुना है उल्टा चलो तो अर्थ वो मुंह से बाहर निकल जाता है। ओए मारसुटिया, ये ले, ये ले। पैर झटका। मुझे तो ऐसा लगता है कि पानी में कीड़े निकलना किसी की चाल है। कीड़े निकलने से किसका फायदा हो सकता है, हो रहा है, सोचो सोचो। JBD मिनरल वाटर वाले का कितना कॉस्टली पानी बेच रहा है। एग्जैक्टली, लगता है ये सब उसकी ही चाल है। हमें पता करना होगा वो है कौन। पतलो, खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती, कुछ करो, कुछ सोचो। आइडिया। ये जा कहाँ रहा है? ये तो जॉन है, नहीं छोड़ूंगा इसे। मत रुको, हम उसे सबक सिखाएंगे, लेकिन प्लानिंग करके। आइए आइए, बताइए कितनी बोतल पानी दे दूं? अरे प्याऊ वाले भैया, तुमने धूप में बैठकर हम सब फुरफुरी नगर के लोगों को साफ पानी पिलाकर बड़ा उपकार किया है। तुम भी तो प्यासे होगे, इसलिए अब हम सब एक एक बोतल पानी तुम्हें पिलाएंगे। थैंक यू वेरी मच। पिला दो पानी, मैं तैयार हूँ। तुम लोग ये पानी मुझे पिलाओगे? यही पानी तुम हमें पिला रहे थे ताकि तुम्हारा मिनरल वाटर ज्यादा कॉस्ट में बिके। ब्लैकमेलर कहीं के? नहीं बाबा। सॉरी मम्मी पापा, नहीं, इतना
सारा कीड़े वाला पानी मुझे पिला डाला। मेरे पेट के अंदर तो कीड़े पार्टी कर रहे होंगे। ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन ये घर के गंदे कपड़े खुद ही ढूंढ के धो डालेगी। और ये ऑटोमेटिक वैक्यूम क्लीनर कम मॉपिंग गैजेट है। इसकी चेयर पे आप बैठ के आराम करो, ये पूरे घर को घूम घूम के खुद ही साफ कर देगा। देखिए बिल्कुल ऐसे। और ये ऑटोमेटिक रोबोट बॉक्सर जो बॉक्सर भैया के साथ बॉक्सिंग प्रैक्टिस करेगा। रोबोट मुझे दो, रोबोट मुझे दो, बर्तन धोने के लिए वॉशिंग मशीन मुझे दो, और मुझे वैक्यूम क्लीनर दो। अरे शैतानी दिमाग में एक तो खाली आइडिया आ रहा है। मोटू का धंधा बर्बाद होने जा रहा है। वाह बॉस वाह, क्या कविता कही है। कविता को छोड़ो और साइंटिस्ट वायरस की बात सुनो। जॉन ये लो मास्टर रिमोट। ये रिमोट किसी भी ऑटोमेटिक गैजेट को कंट्रोल कर सकता है। अब मैं मोटू पतलू के धंधे को ऐसा मंदा करूंगा कि दोनों को चंदा भी नहीं मिलेगा। वाह 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 वाह, क्या मशीन है। अब तो मजे ही मजे, सफाई का झंझट खत्म। वैक्यूम का मॉपिंग गैजेट कैसा चल रहा है? उसी का फीडबैक देने आई हूँ। मैं चाहती हूँ तुम इस गैजेट पर बैठकर खुद ही फील कर लो। जी जरूर। ये बैठ गया। अरे ये क्या? हमारे का मजा। मुझे निकलो। ये क्या कर रही हो आप? रोबोट तो बहुत ही अच्छा है। अच्छा अब नहीं रहेगा। ओए 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 मोटे पतलू, ओए ओए रुको इसे, वरना तुम दोनों कभी भी चल नहीं पाओगे। ओए बॉक्सर तो बच गया, पर अब मोटू पतलू और उसकी मंडली नहीं बचेगी। बड़े भैया तुमने हमें ये कैसे गैजेट पकड़ा दिए? पहले तो वो मोपिंग गैजेट और अब ये बॉक्सिंग गैजेट। तुम्हारे गैजेट में कुछ तो गड़बड़ी है। ओए मोटू, तुम अपने दोस्त की काबिलियत पर शक कर रहे हो। ये गैजेट बहुत अच्छा है, कुछ प्रॉब्लम हो गई होगी, ठीक हो जाएगी। आओ
सब अंदर चल के चाय नाश्ता करते हैं। थैंक यू बॉक्सर भैया, आप बहुत समझदार हो। चलो चलो चलो। चाय नाश्ता ऐसा है तो डिनर लंच कैसा होगा? अपने इस डिब्बे को लेकर यहाँ से दफा हो जाओ और मेरे पैसे मुझे वापस चाहिए। मशीन इज अमेजिंग। गंदा कपड़ा खुद ही उठाता है और खुद ही धोकर काम निपटा देता है। I like it. अयो मारे, मुझे नहीं कपड़ों को धोना है। ए वॉशिंग मशीन, तुम्हें कर्म की कसम, हिंदुस्तान की कसम, वर्तमान की कसम, रुक जाओ नहीं तो मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा। अय्या मां, नहीं नहीं भैया, वो तो तुम्हारी ही बनाई हुई वॉशिंग मशीन लगती है। बाबा, पकड़ो उसे, उसे मशीन का सर लेकर गए थे। ओए छोड़ो मुझे, ओए 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 छोड़ो। ठीक था, ठीक था, ठीक था, ठीक था। व्हाइट कलर तो ट्रैफिक पुलिस का होता है। क्या आपकी ट्रांसफर हो गई है? हाँ सर। ट्रांसफर तो अब मैं तुम लोगों का करूँगा, वो भी यहाँ से सीधे जेल में। चारों लाइन में खड़े हो जाओ, चारों। मुझे पक्का यकीन हो चुका है कि किसी ने मेरे गैजेट के साथ छेड़खानी की है। यारी जॉन हमें देखकर हंस रहा है, ऐसे सब उसका ही किया धरा है। मतलब अगर ऐसा है तो जल्दी कोई आइडिया सोचो, खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं चलती, तुम्हें तो पता है ना। आइडिया, अगर ये सब तुम इतना सस्ता बेच रहे हो तो मुझे ले दो। वैसे मेरे काम का तो नहीं है, फिर भी मैं ले लेता हूँ। हमारे बॉस बहुत दयालु हैं। लगता है तुम्हारा बिजनेस ठीक नहीं चल रहा, इसलिए वो तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। थैंक यू जॉन, आज पहली बार तुम्हारे अंदर का छुपा हुआ अच्छा और दयालु इंसान नजर आया। थैंक यू, ले जाओ सब, ले जाओ। ओके जाओ और सब सामान उठा लो। इसी रिमोट की वजह से ये सामान मिला सस्ते में और मोटू पतलू आ गए रास्ते में। वाह बॉस वाह, क्या कविता कही है। कविता को छोड़ो और काम पे ध्यान दो। ये क्या हो रहा है? नंबर वन रिमोट कहाँ है? रोको इसे। पर बॉस, आपका रिमोट तो यही रखा है। तरफ क्यों आ रही हो? तुम्हारे इरादे नेक नहीं लग रहे हैं। मैं कपड़ा नहीं हूँ, मैं खुद आ सकता हूँ। मुझे बाहर निकालो, मुझे बंदो, मेरी सही, प्लीज मशीन स्टॉप करो, बंद करो ना।
मशीन ने धोया है। अभी हम सब बारी बारी धोएंगे, हम सब धोएंगे। किसी का भी नंबर नहीं है, मैं सीधे जेल जा रहा हूँ, वही मिलूंगा। क्यों भाई, क्या बात है? एक्चुअली मैं हॉलीवुड का बहुत बड़ा प्रोड्यूसर डायरेक्टर जोनाल्डो हूँ। क्या आप मेरे फिल्म में हीरो का रोल करना पसंद करेंगे? मैं और हीरो? हाँ, एक्चुअली हाँ, लेकिन फिल्म बहुत छोटे बजट का है, हम आपको सिर्फ 20 करोड़ ही दे पाएंगे। 20 करोड़? इज इट लेस? पर इससे ज्यादा मैं नहीं दे सकता हूँ। अरे डायरेक्टर भैया, 20 करोड़ क्या, 20,000 भी दे देते तो भी कर लेता। वो क्या है ना, 20 करोड़ की खुशी सह नहीं पाया इसलिए बेहोश हो गया। ए मोटू, मोटू उठो। अरे मोटू भैया उठो। I am Gennaldo, will you please work in my film? Yes. Okay, लेकिन जैसे ही फिल्म खत्म होगी, I will give you 20 crores, लेकिन तुम्हारा वजन बहुत ज्यादा है, उसे कम करने के लिए तुम्हें चिड़िया की तरह खाना खाना होगा और खूब भागना होगा। भागूंगा, आज से खूब एक्सरसाइज करूंगा और मैं चिड़िया की तरह ही खाऊंगा। अरे मेरा ये मतलब नहीं कि चिड़िया की तरह फेस करके खाओ, मेरा मतलब है कि थोड़ा थोड़ा खाओ, लिटिल लिटिल। ओके, वन लास्ट टाइम ये समोसे खा लो। लास्ट टाइम प्लीज। ओके, लास्ट टाइम ठीक है, खा लो। बस इसके बाद नहीं, हीरो के लिए इतना खाना बहुत हार्मफुल है। ओके सर, बाद में मिलता हूँ। अरे मोटू चलो, खाना लगा दिया है, आकर खा लो। चिड़िया की तरह खाना, पतलो, आज से मैं चिड़िया की तरह थोड़ा थोड़ा खाना खाऊंगा। अरे इसे क्या हो गया? अरे मोटू इतना ही खाओगे, बस एक चम्मच? हाँ मैं इतना ही खाऊंगा, चिड़िया की तरह। अरे मोटू क्या हो गया है तुम्हें? तुम मोटू हो या फिर मोटू का डुप्लीकेट? अरे पतलू मैं मोटू ही हूँ, मोटू। क्या है ना कि मुझे हॉलीवुड फिल्म में हीरो का ऑफर मिला है, तुम्हें पता है मुझे कितना पैसा मिलेगा? 20 करोड़। 20 करोड़? अरे मोटू लेकिन इतनी बड़ी रकम तुम्हें देख कौन रहा है? हॉलीवुड प्रोड्यूसर ने मुझे साइन किया है और से मुझे वेट कम करना है, मैं चिड़िया की तरह खाना खाऊंगा। एक स्पून, ओनली वन स्पून खाना है, एक चम्मच। अरे अरे अरे, ये भी ज्यादा है, चिड़िया की तरह खाना है तो आधा स्पून खाओ। अरे मोटू क्या कर रहे हो, ऐसा कब तक चलेगा? अरे मोटू बतलो, जल्दी आओ, बैंक में चोरी हो गई है, जवान चोरी करके भाग रहा है। जवान, रुक जाओ। पतलू मैं दौड़ नहीं सकता, मैं थक गया। अरे मोटू बोला था ना प्रॉपर खाना खाओ, अच्छे से खाना खाओ, अब खाना नहीं खाओगे तो कमजोरी तो आएगी ना। अरे मोटू बतलू, जॉन पकड़ा गया क्या? नहीं चिंगम सर, मैं तो दौड़ ही नहीं पाया,
मुझे बहुत कमजोरी आ गई है। चिंगम सर, इसे हॉलीवुड फिल्म में हीरो बनने का बुखार चढ़ा है। चिड़िया की तरह खाना खाकर कमजोर हो चुका है। ये क्या बोल रहे हो? हॉलीवुड फिल्म में हीरो? कोई तुम्हें बुद्धू बना रहा है? सर, मुझ में बहुत कमजोरी आ गई है। मैं थोड़ी दूर भी नहीं दौड़ पाया। चिंगम सर का कहना है कि कोई मुझे बुद्धू बना रहा है। हाँ, चिंगम तुम्हें बुद्धू बना रहा है। चिंगम सर को अपना करियर बनाने दो, तुम अपना देखो। तुम बताओ उनको लोग क्या बोलते हैं? इंस्पेक्टर चिंगम। और तुमको क्या बोलते हैं? मोटू। मोटू। फिर अब तुम्हें समझ आया? कल वो इंस्पेक्टर से एसपी बनेंगे, कमिश्नर बनेंगे, और तुम क्या बनोगे? तुम उनकी हेल्प करके उनको बिगाड़ रहे हो। तुम अपना करियर भी बर्बाद कर रहे हो। तुम सुपरस्टार बनने वाले हो। उनकी बात मत सुनो। तुम अपना करियर देखो। अपराधियों को पकड़ना चिंगम का काम है, तुम्हारा नहीं। यस सर, समझ गया। चिड़ियों की तरह खाना खाऊंगा और एक्सरसाइज करूंगा और हीरो बनूंगा हॉलीवुड में। चिंगम सर, कुछ ना कुछ लालच देकर मोटू का ध्यान तो भटकाना ही पड़ेगा। एक आइडिया है। चाय वाले भैया, खुशबू। चिड़िया की तरह खाना खाना है, चिड़िया की तरह। मैं समोसे नहीं खा सकता। मुझे हीरो बनना है, हीरो बनना है रे। मोटू, जॉन चोरी करके भाग रहा है। चोरी 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 चोरी, आओ नहीं, जल्दी आओ। अरे कहाँ भाग रहे हो? जॉन को पकड़ने। हाँ, जॉन को पकड़ना चिंगम का काम है। तुम ये लो, ये बैग लेकर भागो। ये वेट है, एक्सरसाइज करो, एक्सरसाइज। यस यस। रुको, बस अब बिना वेट एक्सरसाइज करो, ओके? तुम कहाँ थे? जॉन को क्यों नहीं पकड़ा? नहीं नहीं, मैं जॉगिंग कर रहा था। हाँ, ये सीसीटीवी फुटेज में। तुम्हारे पास बैग कहाँ से आया? ये बैग मेरे प्रोड्यूसर का है। प्रोड्यूसर का? अरे कहीं वो जॉन तो नहीं जो तुम्हें उल्लू बना रहा है? पतलो, एक मिनट। अगर उसकी दाढ़ी मूछें हटा दो तो उसका कद काठी जॉन जैसा ही होगा। हाँ। अरे वो जॉन जैसा नहीं बल्कि जॉन ही होगा। तुम्हें चिड़ियों की तरह खाना खिला खिला के ताकत खत्म कर रहा है तुम्हारी, जिससे तुम उसे दौड़ के पकड़ नहीं पाओ। अब चलो उसकी खबर लेते हैं। वो तो लेंगे, लेकिन पहले मुझे खूब सारा खाना खिलाओ। अरे प्रोड्यूसर भैया, बाहर आओ। क्या हुआ? ये देखो भैया, आपके लिए खाना लाया हूँ। असल में इतने दिन से मैंने जो कम खाया है और जो खाना बचाया है, वो सब खाना मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। आओ आओ, इसे खाओ। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। ये तो खाना ही पड़ेगा, वरना मैं खाने लगूंगा।
नहीं नहीं, तुम नहीं खाना, तुम्हें तो दुबला होना है, फिट होना है, तुम हमारा फिल्म का हीरो है। दुबला होना है, फिट होना है, ताकि मैं तुम्हें दौड़ के पकड़ ना सकूं, है ना? हाँ? मेरी बोल खुल गई रे बाबा। जी हाँ मिस्टर चोनाल्डो, अब खाना शुरू करो वरना। और नहीं खा सकता। मिस्टर जोनाल्डो, कालो जितना खा सकते हो, क्योंकि जेल में तुम्हें चिड़ियों की तरह ही खाना खाने दूंगा। हैप्पी बर्थडे छोटू। थैंक यू मामू, थैंक यू सो मच। पर क्या बात है, तुम उदास क्यों हो? बोलो छोटू, तुम्हें क्या चाहिए? गिफ्ट चाहिए ना? मोटू मामू, मैंने अपने दोस्तों को वादा किया है कि मेरे बर्थडे पे मेरे मामू पैंथर श्रॉफ को लेके आएंगे, उन्हें ले आइए ना प्लीज। पैंथर श्रॉफ? अरे वो इतने बड़े स्टार है, वो कैसे आएंगे? फिर भी मैं उनके सेक्रेटरी से बात करके देखता हूँ। हेलो, मैं फुरफुरी नगर से मोटू बोल रहा हूँ। जी जी, हाँ हाँ, मोटू पतलू वाला मोटू, हाँ हाँ, वही वही वही, हाँ हाँ। अच्छा, आप हमें जानते हैं? थैंक यू सर। मैं पैंथर जी को अपने भांजे छोटू के बर्थडे में बुलाना चाहता हूँ, प्लीज सर। हाँ देखिए प्लीज। हाँ, क्यों नहीं मोटू जी, आ जाएंगे, लेकिन वो बर्थडे पार्टी में जाने का 1 करोड़ लेते हैं, वो भी कैश। 1 करोड़ रुपए? 1 करोड़ नहीं चाहिए पैंथर श्रॉफ, ये तो बच्चा है, बेकार की जिद करता है। मेरे भाई मोटू पतलू खुद ही स्टार हैं, फिर किसी और की क्या जरूरत है? नहीं नहीं नहीं, मुझे पैंथर श्रॉफ ही चाहिए। मैंने अपने दोस्तों को वादा किया है कि मेरे मोटू मामू कुछ भी कर सकते हैं, वो जरूर लेके आएंगे। छोटू सुनो, मेरी बात सुनो। नीचे उतरो, नीचे उतरो छोटू, छोटू उतर जाओ। नहीं उतरूंगा, मैंने अपने दोस्तों को प्रॉमिस किया है, वो मुझ पर हंसेंगे। मेरे पैर, मेरी यार, कोई बात नहीं, यू लो फ्लाइंग हेलमेट, ये लगा कर उसे नीचे ले आओ यारी। ये दबाया बटन। चकरा गया रे। बड़े भैया ये क्या हुआ? मेरे पाई, मेरी यार, शायद इसकी बैटरी मैंने ओवरचार्ज कर दी थी। बेटा छोटू, चाहे कुछ भी हो जाए, हम उनको लेकर आएंगे। आप प्रॉमिस करते हो ना? ओके, थैंक यू मामू। ये पतलू, वो देखो, पैंथर की वैनिटी वैन खड़ी है, चलो अंदर चलती है। ए, कहाँ जा रहे हो? हमें पैंथर जी से मिलना है, बहुत ज्यादा जरूरी काम है, छोटू के बर्थडे पार्टी में उन्हें लेकर जाना है। भाई छोटू की बर्थडे पार्टी हो या किसी की भी, पैंथर साहब इतने फ्री नहीं है कि कहीं भी चले जाएं। नहीं, हम तो मिलकर ही जाएंगे। अच्छा, मिलकर ही जाओगे, तो थोड़ा इंतजार करना होगा, आओ यहाँ बैठ जाओ। अरे सैकड़ों लोग पैंथर जी से मिलने रोज आते हैं, हम उनको उठा उठा कर थक गए थे, इसीलिए ये आइडिया लगाया।
फिर कभी उधर गए तो इस बार सीधा मून पे भेज दूंगा। अब क्या करे पतलू, खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती रे। आइडिया। अरे अरे रुकिए, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? जी हम पैंथर श्रॉफ के बहुत बड़े फैन हैं, हमें उनसे मिलना है, एक सेल्फी लेनी है। आप कहें तो आपके साथ भी ले लें। आप मेरे साथ सेल्फी ले सकते हैं, लेकिन पैंथर जी के साथ नहीं, वो शूटिंग के समय किसी से नहीं मिलते। नहीं नहीं, हम तो मिलकर ही जाएंगे। अच्छा अच्छा, आप लोग उधर चेयर में बैठ कर वेट करें, कुछ देर में मिलवा देता हूँ। थोड़ी देर पहले आप दोनों ही हवा में मेरे साथ सफर करके आए हैं ना? उप्स, सॉरी, गलती से बता दिया। अब चखो मजा। सिंगम सर, हुआ ऐसा कि पिकर नॉट YPR, व्हेन सिंगम इज हियर, सिंगम को चंगुल से बचना यम पॉसिबल है, यम पॉसिबल है, मैं अब भी उसे लेकर आता हूँ। यस सर। पतलो, अभी सिंगम सर पैंथर जी को लेके आते ही होंगे। अरे मामा, अरे मामा, उसने इंस्पेक्टर का भी लिहाज नहीं किया। अब क्या करे पतलू, खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती रे। आइडिया, समोसे खाओ और शुरू हो जाओ। चाय वाले भैया, बढ़िया गर्मा गर्म समोसे खिला दो। मोटू, हाँ तुम फिर आ गए, तुम लोगों को अब पकड़ के पुलिस स्टेशन ही भेजना होगा। आओ भाई लोग, आओ आओ जाओ। अरे क्या कर रहे हो? हम छोटू को दिया हुआ अपना वादा पूरा कर रहे हैं, पैंथर श्रॉफ को एक बर्थडे पार्टी में ले जा रहे हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगे। शाबाश मोटू, वेरी गुड। छोटू ये लो, मैं तुम्हारे लिए पैंथर जी को ले आया। वाओ, थैंक यू मामू। देखा, मैंने कहा था ना, मेरे मामू कुछ भी कर सकते हैं। ये ये कौन है? तुम कौन हो? अरे मैं तो पैंथर जी का मेकअप मैन हूँ पगले, वो तो शूटिंग कर रहे हैं, मुझे यहाँ कैसे ले आए? ले चलो जल्दी से मुझे उनके पास ले चलो ना प्लीज। नहीं छोटू, हेलो छोटू कौन है, मोटू पतलू कौन है? हम है सर। वाओ पैंथर श्रॉफ, सर 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 मैं छोटू हूँ। हाय छोटू, मुझे पता चला मोटू पतलू ने मुझे बुलाने के लिए क्या क्या नहीं किया, मुझे जान के खुशी हुई और इसीलिए मैं खुद ही आ गया। हैप्पी बर्थडे छोटू। ओह थैंक यू, क्या हम एक फोटो ले सकते हैं? हाँ हाँ क्यों नहीं, लेकिन मोटू से मेरी एक रिक्वेस्ट है, मेरा एक काम करोगे प्लीज? क्या सर, जरूर करूंगा, बोलिए, आपके लिए कुछ भी करूंगा। मैं अपनी पिक्चर में एक सीन
ऐड करना चाहता हूँ कि मैं वैनिटी वैन उठा के भाग रहा हूँ, तो क्या तुम मेरी जगह वैन उठा के भागोगे? श्योर सर, जरूर कर दूंगा। छोटू अब तो खुश होना, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू मामू, थैंक यू वेरी मच। अरे घूरना बंद करो, पहले सब्सक्राइब करो।